अब्दुल्ला आजम के मामले में सुनवाई है आज, यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दो जन प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई होगी, एमपी एमएलए कोर्ट में मामले में आज सुनवाई होगी। आजम खान और उनकी पत्नी है अभियुक्त, मामले में बेटा अब्दुल्ला आजम भी है अभियुक्त। विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था ये केस, पूरा ट्रायल पर चल रहा है केस, आज तीनों की पेशी है। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर कहीं ना कहीं आजम खान के परिवार के लिए मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में सभी की निगाहें बनी हुई है कि आखिर आगे का हश क्या कुछ होने वाला है। एमपी एमएलए कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी, ट्रायल पर चल रहा था ये केस, आज तीनों ही पेश होंगे कोर्ट के अंदर, आजम खान, उनके बेटे और उनकी पत्नी। अब्दुल्ला आजम के मामले में ये सुनवाई है आज, दो जन प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई होगी आज, और ऐसे में जानने का प्रयास किया जाएगा एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की आज सुनवाई है। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं, कई हद तक जहां अब आजम खान की मुश्किलें कम होती हुई नजर आ रही थी, एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते हुए आजम खान जो हैं वो नजर आ रहे हैं। आपको बता दें अब्दुल्ला आजम के मामले में आज पेश होंगे एमपी एमएलए कोर्ट में, और आजम खान, उनके बेटे और उनकी पत्नी तीनों ही आज कोर्ट में पेश होंगे, और ऐसे में आजम खान और उनकी पत्नी हैं अभियुक्त। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सफदर हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामपुर से। सफदर, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए बेहद महत्वपूर्ण दिन हो जाता है आज आजम खान के परिवार के लिए, और ऐसे में तीनों ही आज पेश होंगे ट्रायल पर, अब तक केस चल रहा था, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या यहां पर इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आने वाली है या कुछ हद तक राहत मिलेगी? जी मानी, देखिए बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि उससे जो पिछली तारीख आजम खान की लगी थी, तो उस तारीख पर भी आजम खान जो है कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। कोर्ट ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फातिमा को भी कोर्ट में आने के लिए कहा था, तो जब वो कोर्ट में नहीं पहुंचे थे तो कोर्ट ने उनको जो है पनिशमेंट देते हुए कहा था कि अब जो आपके अधिवक्ता को आखिरी जिरा करनी थी, क्योंकि मैं बता दूं उनको अधिवक्ता को जो नरेंद्र त्यागी थे उनसे जिरा करनी थी, तो कोर्ट ने कहा था अब आप नरेंद्र त्यागी से जिरा नहीं कर पाएंगे, अब आप दूसरे विवेचक जो है सिविल लाइन कोतवाल सेशन अवतार सिंह उनसे जिरा करने का मौका दिया गया। तो आज देखने वाली बात होगी कि आजम खान खुद और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फातिमा क्या आज कोर्ट में पहुंच पाएंगे या नहीं, आज आजम खान की मुश्किलें किस हद तक बढ़ेंगी, कोर्ट क्या निर्णय ले। जी, तो ऐसे में एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी मामले की, सभी की नजर बनी हुई है, और देखने वाली बात रहेगी कि आजम खान के परिवार के लिए ये मुश्किलें और बढ़ने वाली है या फिर कहीं ना कहीं यहां पर उन्हें कुछ हद तक राहत मिल सकती है। मामले में बेटा अब्दुल्ला आजम भी है अभियुक्त, इसके अलावा उनकी पत्नी, और विधायक आकाश सक्सेना ने यह पूरा केस दर्ज कराया था, जहां पर अब्दुल्ला के दो प्रमाण पत्र थे, और ऐसे में आज इस मामले को लेकर सुनवाई है एमपी एमएलए कोर्ट में। यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर पहले भी आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का केस, यूपी के बाहर ट्रांसफर नहीं होगा। हालांकि आपको यह भी बता दें अभी यूपी में ही जिस तरह से ये मुश्किलें फंसी हुई है, आज एक बार फिर से एमपी एमएलए कोर्ट में जो है पेश होने के लिए पहुंचेंगे